Hey everyone, what's up? It's me, Nabeel Jalad, and Maryam Shehza. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you never miss new videos. Ek jaise kapde. Twins. So right now we are going to react on Aasim Azhar's new song, Sonia, right? Yeah. Official music video, Aasim Azhar. ये पोस्ट हुई है आज कल हुई थी मेरा मूड था लेकिन मसरूफियात के चलते हुए नहीं देख पाए। 750K व्यूज आ चुके हैं इसके ऊपर, अभी 3.4K लाइक्स हैं। डिसलाइक्स का ऑप्शन बंद है कि नहीं है? डिसलाइक 95K लाइक्स हैं, 3.6K डिसलाइक्स हैं, ठीक है। और अच्छा चैनल है। जाएं जाके वीडियो का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके आसिम अजहर के चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो नहीं देखी तो उधर भी देखें, इधर भी देखें, हर जगह देखें, एंजॉय करें। सो देर ना करते हुए बिल्कुल यार, वाकई फ्री मिल रहा है। यूट्यूब भी एक अकेली जगह रहेगी जो फ्री है, बाकी हर जगह आपको सब्सक्रिप्शन। धमकी तो मिल रही है बहन की, लेकिन फ्री अभी फिलहाल फ्री है। धमकी मिल रही है, टाइम है अभी, अभी भी कर लो सब्सक्राइब, हमें बाद में नहीं पता चलना हम किधर गए। हमने तो क्योंकि बहन होगी, हमने निकल जाना दुबई दुबई, हमने बस फिर निकलो यहाँ से। पबजी उधर अचीपिंग पे खेलेंगे, पबजी भी खुलने वाली। सो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जाने। सो लेट्स फर्दर अडू, माई ट्रेली जम्प इन टू द वीडियो। अगर नहीं था तू होना मेरा, कैसे मैं जाऊं किसी और को काबिल ही ना रहा। ओ सोने क्यों तोड़े यार दिल को सी मेरा, ओ सोने क्यों तोड़े यार की कीता मैं तेरा। ये अच्छी है मिक्सिंग की कीता। सफर में मेरे न होना तेरा लगता है इस तरह, जैसे बारिश हवा की तरह चाहे बरसे बिना। ओ सोने क्यों तोड़े दिल को सी मेरा। लड़की डांसर है भाई, मॉडल नहीं है, अकेले सिर्फ डांसर है। शी गॉट द मूव, ये वाला सुर बड़ा अच्छा लगाता है। ये वाकई ये स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स टाइप वीडियो बनाई है। Keep
अच्छी लाइन है मूवी मंजिले जारी है ये यार, लिरिक्स तो अच्छा काफी ना ऐसे गाने, गाना ओवरऑल बहुत अच्छा था लेकिन ना गाने को सुन के ऐसा लग रहा था बंदे का ब्रेकअप हुआ है फिर बंदे ने गाना लिखा है। ब्रेकअप के बाद जो बंदे की फीलिंग्स बाहर आती है ना काइंड ऑफ, हम किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं कुछ बोलेंगे, वैसे लिरिक्स को देख के ऐसा लग रहा है। और ये जो इसकी मुफलिस वाली लाइन है, हम लोग एक दिन लेट हुए वीडियो बनाने में और ये मुफलिस वाली लाइन हर जगह वायरल हुई भी है। और सेकंड चीज, इसने आसिम असर ने कोई ट्वीट भी किया था आई थिंक खान या आमिर की किसी कमेंट के ऊपर आई थिंक कुछ ऐसा था, अब पता नहीं वो फेक था या क्या दिया था, मुझे याद आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था वो लिरिक्स मेरे दिमाग। अच्छा इसने बोला था कि ये गाना सुनना है हमने, ये काफी बड़ी फैन है आसिम की, जो मैंने पहले भी बोला हुआ अपनी वीडियोस में कि मेरी सिस्टर काफी बड़ी आसिम की फैन है, इसने बोला था ये गाने पे रिएक्शन करना है। मैं आसिम को अच्छा से देख रही हूँ जब ये पैदा हुआ था, जब से आसिम का बिल्कुल स्टार्टिंग पे था, बिगनिंग थी, मुझे याद है इसका चैनल पे ये आरजे होता था, ये मुझे बहुत रेडियो चैनल पे किसी ऐसी जगह पे गया था जब अपना कोई सोनिया ऐसे गाना अपना सुन रहा था। तो इसने मुझे बोला, इसने मुझे दिखाया था उस टाइम में, मैंने बोला था मुझे याद नहीं है क्या हुआ था, मैं याद नहीं रखना चाहता, मैंने कहा अल्लाह तरक्की दे चाहिए ऐसे कुछ बता। अच्छा इसने जब मुझे बोला ना कि आसिम का गाना सुना तो मेरे दिमाग में वो तुन 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 मेरे बस में ना ओ यारा, मेरे बस में ना हो जाना तेरे खर्चे हजारों क्यों मैं नखरे पालूं। अच्छा मैं ना थोड़ा सा इन ये मैंने सुना वो गाना जब मैंने सुना था ना उसमें ना ऑटो ट्यून मारी हुई आसिम की आवाज उस गाने में, इसमें नहीं मारी हुई, मुझे आसिम की आवाज रो ज्यादा अच्छी लगती है। दो सिंगर है, तीन सिंगर है बेसिकली जिनकी आवाज मुझे रो बड़ी अच्छी लगती है, आसिम पाकिस्तानी जिनकी बात करो, आसिम आतिफ अली, इन तीनों की आवाज रो बहुत ज्यादा अच्छी है। ये सिंगर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्लासिकल सिंगर्स की बात भी कर रहा हूँ, सिंगर्स में इन तीनों की आवाज की जो पेस है ना वो बहुत उम्दा है, और इनको अगर कोई ऑटो करेक्ट मारे ना तो वो सत्यानाश हो जाती है आवाज। तो तुम का म्यूजिक बहुत अच्छा था, पेस बड़ी अच्छी थी, बीट बड़ी अच्छी थी, लेकिन ऑटो करेक्शन मार के ऑडियो आसिम की आवाज की धजियां उड़ाई थी, इसमें वो चीज नहीं थी। उसकी भी वीडियो बहुत उम्दा थी, इसकी भी वीडियो बहुत उम्दा थी, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप की सॉन्ग थी, उसकी स्टोरी लाइन थी, ये एक डिफरेंट टाइप का सॉन्ग था, इसकी स्टोरी लाइन डिफरेंट थी, ये भी बहुत उम्दा थी। जैसे कि इसने मुझे रिमाइंड कराया स्पाइडरमैन की वाइब्स आ रही है, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स, अगर किसी ने नहीं देखी मार्वल की है हर वीडियो में मार्वल आ जाता है, वीडियो में मार्वल की है, बेसिकली सोनी की है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स, और वो मूवी जो थी ना वो एक डिफरेंट टाइप से एनिमेट की गई थी, और सोनी वालों ने अपील भी किया था कि इसको एक डिफरेंट एनिमेशन का एक इसके लिए कैटेगरी बनाई जाए, क्या कहते हैं उसमें आईफा अवार्ड, क्या अवार्ड्स उनके जो होते हैं अवार्ड्स में, एक डिफरेंट किस्म की कैटेगरी बनाई जाए, ताकि क्योंकि ये हमने एक नई क्रिएशन की है, ये इस तरह कभी कोई एडिट नहीं करता है, डिफरेंट वे की एडिटिंग है, तो उसी टाइप के इफेक्ट इसमें आ रहे थे, तो वो इसने मुझे याद कराया, तो मेरे दिमाग में फौरन मेरी भी घंटियां जली, हाँ बिल्कुल सेम वही सीन है, तो वो मुझे एक चीज अच्छी लगी है। मैं जैसा कि बहुत बड़ा सुपर हीरो लवर हूँ, एनिमेटेड लवर हूँ, एमसीयू फैन हूँ, डीसी फैन हूँ, कॉमिक बुक फैन हूँ, तो इस तरह की चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। देन वीडियो बहुत अच्छी थी, गाने के लिरिक्स बहुत उम्दा थे, गाने के लिरिक्स बहुत ही ज्यादा उम्दा थे, बंदे की जिंदगी में जो मर्जी चल रहा हो लेकिन काम अच्छा होना चाहिए बंदे का, और वो अच्छा है। आसिम अजहर का यूट्यूब चैनल काफी अच्छे गाने ला रहा है, और सून इंशाल्लाह ही इज गोइंग टू बी ऑन टॉप, नॉट बैड काइंड ऑफ टॉप, इधर टॉप में जाएंगे ये, और इंडस्ट्री में अच्छा काम करें। बॉलीवुड में से भी इनका एक गाना आना था जो इन्होंने उस पर रिएक्शन किया हुआ, मैंने वो मलंग मूवी में आना था इनका एक गाना, लेकिन उस टाइम में कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि वो गाना काटना पड़ा, और मलंग लास्ट ईयर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से है, बहुत अच्छी कम फिल्में आई हैं जो अच्छी थी, तो उनमें से मलंग एक थी, मुझे अच्छी लगी थी, तो मूवी हाँ मलंग मूवी अच्छी थी, तो गाना भी इसका अच्छा था,
गाना आसिम ने जब अभी रिसेंट पोस्ट किया था तब सुना था। आसिम का गाना भी अच्छा है और जो उसने ओरिजिनल बंदे ने गाया वो भी अच्छा था। देन आसिम का वैसे ही काम बड़ा अच्छा है। इस गाने की वीडियो ऑडियो पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तुम अगर कुछ कहना चाहोगे पहले। आसिम आपकी तो मैं वैसे ही बहुत बड़ी फैन हूँ, वैसे आपने वीडियो देखनी नहीं है। अच्छा नहीं, इस वीडियो के इस सॉन्ग के लिरिक्स बहुत 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 अच्छे थे। मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब मैं अरिजीत सिंह की फैन हूँ इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं किसी की बहुत बड़ी फैन हूँ अरिजीत से भी ऊपर, तो वह है आसिम अज़हर, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत 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 अच्छी है। और आज की ये जो मुझे लगता है पूरी रात में यही गाना सुन रही हूँ। एयरपोर्ट्स कहाँ पे है? एयरपोर्ट्स कहाँ पे? अच्छा, गाने की जो साउंड है ना, गाने का जो बैकग्राउंड स्कोर है, उसको नंबर तो 10 में से कितने दोगे? बैकग्राउंड म्यूजिक को जो म्यूजिक चल रहा है 10 फॉर एवरीथिंग। नहीं ऐसे नहीं होता। चलो ये तो बिग गई है, गवर्नमेंट बिग गई है। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा म्यूजिक को, मैं दूंगा म्यूजिक नो डाउट बहुत अच्छा था, नो डाउट बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा था, उसको मैं दे दूंगा 8 out of 10। म्यूजिक बहुत उम्दा था यार, 10 तो वैसे ही नहीं किसी को देता मैं 10 यार। मैं पता है बात क्या है, अगर आप किसी को 10 दे दोगे ना, नेक्स्ट टाइम उससे अच्छी चीज होगी तो क्या दोगे फिर? 10.5 नहीं ना होता, तो 10 में वैसे नहीं देता, लेकिन 8 गाने का लिरिक्स वाकई बहुत उम्दा थे। देन लिरिक्स नहीं, गाने का बैकग्राउंड स्कोर। अब लिरिक्स की बात करते हैं, जो राइटिंग है उसके ऊपर नंबर दो, उसको भी ये 10 दे देगी। मैं राइटिंग को मैं दूंगा 7.5, अच्छी थी, उम्दा थी, नाइस थी। देन आ जाते हैं सिंगर की आवाज पे, वो 100 उसको भी 8 दे दूंगा, बहुत अच्छी आवाज है आसिम की आवाज। जैसा कि मैंने पहले बोला कि पाकिस्तान के 3 सिंगर हैं जिनकी आवाज मुझे बहुत उम्दा लगती है, तो उसको मैं 8 दे देता हूँ। देन आ जाते हैं वीडियो के ऊपर, वीडियो कैसी लगी तुम्हें, उसको कितने नंबर दोगे? वीडियो भी अच्छी, स्पाइडरमैन। कितने नंबर दोगी स्पाइडरमैन? 9.5। मैं वीडियो को दूंगा 7.5। 8 इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि नो डाउट वीडियो बहुत उम्दा थी, बहुत उम्दा थी, लेकिन अगर कंपेयर करो ना पुरानी, इसकी एडिटिंग ज्यादा अच्छी थी, इसमें एडिटिंग ज्यादा थी, लेकिन आसिम की जो सारी वीडियोज है ना उनमें एडिटिंग काम बड़ा अच्छा लग रहा है। वीडियो की क्वालिटी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, आसिम की वीडियोज को मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ। ऑडियो म्यूजिक ये एक लहदा चीज है, लेकिन मैं बींग अ कॉन्टेंट क्रिएटर मैं वीडियोज पर ज्यादा इंटरेस्ट देता हूँ, तो वीडियो बहुत उम्दा थी, तो वीडियो को मैं दे रहा हूँ 7.5 और ओवरऑल गाने को मैं दे रहा हूँ 8। तुम कितने? 10. So guys, that's it for now. This is our reaction on Sonia. If you like watching our reaction, please give us a big fat thumbs up. If you want to suggest us something or you have any question, please write that in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likee. Basically, I'm everywhere. Simply search NABILSZD and you will find me. You can also find her on YouTube, Stay_Lobby. ठीक है, यहाँ पे हमारे चैनल आ गए हैं, चैनल्स को क्लिक करें, सब्सक्राइब कर लें। आफ्टर दैट प्लीज रिंग द बेल फॉर नोटिफिकेशन टू हेल्प यू चेक अदर एक्टिव ऑन आवर YouTube चैनल। यू कैन आल्सो क्लिक हियर टू वॉच आवर अदर वीडियोस। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस।